आज हम आए हमारे दोस्त की शादी में चैनपुरा में, मांडवा और बदनापुर के बीच में चैनपुरा है एक गाँव है छोटा सा। उस गांव में हमारे एक मित्र रहते हैं जो अभी फिलहाल बदनापुर में सरपंच के पद पे रहे और बहुत ही मेहनती है हमारा भाई। और आज उसकी शादी है, कल बारात जाएगी और हम उसे शादी में विश करने आए और उसने हमें बुलाया इतने प्यार से, इतने प्रेम मोहब्बत से। 15 दिन पहले ही उसने सूचना दे दी थी हमको। तो मेरे साथ में मेरे दोस्त रवि छत्रपाल और मैं और भाई बिशन को विश करने आए। हमारे और भी मित्र आना चाहते, बोला है कि बिशन भाई को बता देना कि भाई हम आएंगे, जरूर आएंगे, कभी ना कभी तो विश करेंगे आपको। अभी हम बाहर का नजारा बताएंगे कि बिशन भाई की शादी में देखो कितनी धूमधाम से शादी हो रही है और डांस गाना डीजे के साथ में एकदम गाने बज रहे हैं। चलिए बाहर चलते हैं। अच्छा देखिए हमारे बिशन भाई की शादी में बड़ी धूमधाम से डांस हो रहा है। देखिए हमारे पीछे कितनी पब्लिक डांस कर रही है यहाँ पर और बहुत ही शानदार शादी हो रही है मेरे भाई बिशन बिशन की। देखिए हम भी नाचेंगे। Yeah.
बिशन वास्कल है जिसकी शादी है, उसका गांव देखिए चैनपुरा गांव। मेरे पीछे देखिए ये गांव है, दूर दूर तक घर बने हुए हैं और आप चारों तरफ देख रहे हैं आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों ये चैनपुरा गांव। और यहां पर चारों तरफ देखिए दूर दूर तक घर बने हुए हैं, कबीलों के कच्चे मकान बने हुए हैं दोस्तों। और यही इनके प्रमुख साधन खेती बाड़ी करना और पशुपालन करना, यही इनकी रोजी रोटी का साधन है दोस्तों। और आज मैं बदनापुर के सरपंच बिशन बास्कले की शादी में आया हूँ। देखिए बारिश में ये खूबसूरत नज़ारा हो जाता है दोस्तों। इधर पूरा पहाड़ी इलाका है और हरियाली से चारों तरफ से भर जाता है जब बारिश होती है यहाँ पर, तो क्योंकि फसल भी आ जाती है, हरा भरा सारा क्षेत्र दिखता है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाना दोस्तों। जय हिंद।